ग्लोबल स्केल का लीडर है, वो कौन सा बड़ा लीडर है एक और जिसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है? Between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi, His Excellency. रूसी मीडिया स्पुतनिक के मुताबिक पुतिन मॉस्को में आयोजित 14वें VTB इन्वेस्टमेंट फोरम रशिया कॉलिंग में बोल रहे थे। लेकिन मसला क्या है, जो हकीकी बात है, उनको लीडर जो मिली है, क्यादत मिली है, वो सही मिली है। अच्छा। वो कौम के साथ थी। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके, और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स बेहतर करेंगे, अफगानिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है और डॉक्टर जयशंकर ने उसको बल्कि ब्रांड का नाम भी दिया है, आपको लगता है बात की जाएगी क्या, भरोसा दोबारा भारत करेगा इससे पहले जो कुछ हुआ है? आप LLB कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता उसकी इकोनॉमी कितनी, आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे CEOs कौन है, लेकिन आपको ये पता कि वहाँ मुसलमानों पे जुल्म है, आपको ये पता कश्मीर के अंदर बहुत बुरा हाल है। सर अगर बुराई पता तो अच्छाई क्यों नहीं पता? सो द भारत इज ब्रांड, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गोसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मोदी जी और पुतिन की दोस्ती जग जाहिर है, और रशिया में एक समिट के दौरान एक बार फिर पुतिन मोदी जी की तारीफ करते दिखाई दिए, और इसी के साथ पुतिन का ये कहना है कि जब तक मोदी है तब तक भारत को कोई झुका नहीं सकता, और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है। तो खैर, देखते हैं अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके, और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी, ठीक है। लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफ है तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई, और हमेशा ऐसा होता है, कोई ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसी लिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले, और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मरतबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दें। तो उस सिचुएशन में हमें यह नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरहद पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से, वो बे इंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है, और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ हैं, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको, और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया के जो के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडेरिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे, ना तो उन्होंने रशिया की जो है वो मुखालफत की किसी के कहने पर, और बल्कि हमने ये देखा कि उन्होंने चीप ऑयल, उसी दौरान उन्होंने धड़ाधड़ तेल खरीदा। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात की है इंडिया के तेल खरीदने के बिना पर, ना सिर्फ ये कि रशिया को फायदा हुआ, और रशिया ने इसका इजहार भी किया, अभी मैं आपको सुनाती हूँ वो बात के जो प्रेजेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया गया, उन्होंने क्या बातें की वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो ये है ना फायदा होने की बात, इस पे डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमारी इस स्टेप के बिना पर यूरोप को भी फायदा हुआ है, कि इंडिया ने उस वक्त एक ऐसी पॉलिसी अपनाई, एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई
कि जिस बिना पर यूरोपियन कंट्रीज ने भी तेल लिया, वो तमाम कंट्रीज के जो खिलाफ थे, किसके, रशिया के, और जिन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई थी, वो भी उन्होंने कहा अच्छा पाए इंडिया ले रहे तेल, फिर असी क्यों ना लाइए, चलो जी, इसी की आड़ में बाकी कंट्रीज ने भी उससे फायदा उठाया। और इस बिना पर जो एक सप्लाई चेन की ब्लॉक्स होती हैं या बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो कुछ इश्यूज नहीं क्रिएट हुए। तो देखें, ये एक तो ये बड़ी बात, और इस बिना पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, ये भी नहीं किया कि वो कहें कि नहीं आपने जंग की तो बड़ी चंगा किया, नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।